हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल को संडे था और आप सब जानते हैं संडे को हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं, तो आज फिर से मंडे से अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रही हैं। तो अभी मेरी थोड़ी खांसी अभी चल रही है, मुझे अभी पूरी तरह से खांसी ठीक नहीं हुई है। तो आप सब जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्शंस हम पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्शन, जो कि है एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इस ऑब्जेक्शन का क्या मतलब है, ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स बाय अपीलिंग टू द वेरियस सेंटिमेंट्स एंड इंस्टिंक्ट्स हु आर फोर्स्ड टू परचेज गुड्स विच दे कैन नॉट अफोर्ड एंड डू नॉट नीड एट ऑल। कहने का मतलब ये है, जो ये वाला जो ऑब्जेक्शन है एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड्स ऑफ कंज्यूमर का, जो ये ऑब्जेक्शन है इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल आपने एड देखा, ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट का एड हो रहा है, चल रहा है टीवी में, लेकिन आपको आपके पास मतलब वो सामान ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन उसका नया वर्जन या आप बोले तो एक नया उसका क्वालिटी आई है या नए एक वो कलर में आया है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी वो है, ठीक है, लेकिन जब आपने एड देखा तो एड इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था और आपके पास अभी बजट भी नहीं है, नीड तो है ही नहीं आपको, क्योंकि उसका पुराना वर्जन आपके पास रखा है, अभी आपको जरूरत भी नहीं है इतनी, और लेकिन वो एड इतना अट्रैक्टिव था कि आपका क्या हो गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना, और आपने सोचा नहीं भाई मैं आज ही जाऊंगा और इसको लेके आऊंगा, चाहे आपका जो बजट है वो भी चाहे हिल जाए, लेकिन आपने सोचा नहीं मैं यही लेके आऊंगा और पुराने वाले को निकाल दूंगा, जबकि आपको पुराने वाले से अच्छा खासा काम चल रहा था, वो खराब भी नहीं हुआ था, लेकिन कहते ना मन तो चंचल होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिर क्या हुआ, आप उसको लेने के लिए निकल गए। तो यहाँ पे ये लोग यही बोल रहे, जो एडवर्टाइजिंग है वो मल्टीप्लाइज करती है, मल्टीप्लाइज द नीड ऑफ कंज्यूमर, कहने का मतलब ये है आपकी चाहे वो नीड हो या ना हो, आप जब भी उसको लोगे, ठीक है, एक तो चीज ये होगी कि आपको नीड नहीं थी फिर भी आपने ले ली और आपने क्या सोचा, आपको एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखा, ठीक है, उसमें बहुत सारी रेंजेस थी, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, आपको लगा कि मैं एक ही प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, लेकिन एड में आपने सोचा यार नहीं मैं तो इसके दूसरा तीसरा मॉडल भी ले लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट की जरूरत थी लेकिन आपने तीन चार और प्रोडक्ट ले लिया, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप अपनी नीड्स को, ठीक है ना। तो इन लोगों का यही यहाँ पे ऑब्जेक्शन है कि आप बेफालतू में खर्चा कर बैठते हैं, आपको जरूरत भी नहीं होती, आपका बजट भी नहीं आपको अलाउ करता, फिर भी आप अपनी नीड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। सच मल्टीप्लीकेशन अपसेट देयर बजट, अपसेट देयर बजट मतलब आपका बजट भी सारा खराब हो जाता है, हिल जाता है, एंड कंज्यूम्स देयर हार्ड अर्न सेविंग इफ एनी, और वो लोग क्या करते हैं सारा अपना बजट वो लोग खराब कर देते हैं, और जो इतनी मेहनत से उन लोगों ने पैसे कमाए होते हैं उनको वो उड़ा देते हैं। बट दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो नॉट एंटायरली ट्रू। तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी ये सारे ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं इनके लास्ट में ये लोग यही बोलते हैं कि जो ये ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो ये उसको एक तरह से क्लैरिफाई भी कर रहे हैं हाथ के हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया, बट दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो नॉट एंटायरली ट्रू, वो ये लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है, पूरा सच नहीं है। एडवर्टाइजिंग हैव इन द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, हमने माना कि एडवर्टाइजिंग मतलब डिमांड को बढ़ाता है प्रोडक्ट की, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन making a right selection after necessary comparison in two or more substitute।
उनका कहना ये है कि हमने माना है कि जो एडवर्टाइजिंग है उससे डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान पागल नहीं है कि वो अपने बजट को अनदेखा कर दे या उसके पास इतनी अर्निंग भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट लेने को निकल जाए, ठीक है ना। लेकिन एडवर्टाइजिंग से ये मदद होती है कि कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट कंपेयर करने को मिल जाते हैं, उनको पता चल जाता है एडवर्टाइजिंग की मदद से कि उनके लिए कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट या कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट उनके लिए ठीक रहने वाला है, ठीक है ना। वो पूरा एक तरह से एडवर्टाइजिंग की मदद से कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो बस मैं आप सबको पता है मैं हर रोज आपको एक एक ऑब्जेक्शन पढ़ा रही हूँ, काफी लेंथी टॉपिक है, तो कोई बात नहीं, हम छोटी छोटी क्लासेस ही रख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो अगर इस पॉइंट में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, किसी भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में डाउट या कन्फ्यूजन है, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक बाय।